નમસ્કાર. મેં સર્વપ્રથમ આદરણીય દેવેન્દ્રજી ઓર જન સરોકાર મંચ ટોક કા હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરતી હું, જિન્હોને મુજે ઇસ મંચ સે અપની બાત રખને કા અવસર પ્રદાન કિયા. આજ મેં આપકે સામને એક પુસ્તક બદલતે રિશ્તે, જિસકી લેખિકા પૂર્ણિમા મિત્રા હૈ, ઇસ પુસ્તક કે બારે મેં એક પાઠક કે નજરિયે સે અપની બાત રખના ચાહુંગી. ये कहानियों की पुस्तक है और इसमें 15 कहानियाँ हैं, और इस पुस्तक को पाठक की दृष्टि से पढ़ते हुए मैंने एक इसका शीर्षक दिया है, वो है आपसी रिश्तों का सच बदलते रिश्ते. कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है. मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ. हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से कहानियाँ पढ़ी और सुनी जा रही है. कहानी कहना और सुनना मानव का स्वभाव बन गया है. प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं. हमारे देश में कहानियों की एक लंबी संपन्न परंपरा रही है. प्राय इसमें असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई जाती रही है. ये कहानियाँ कई मोड़ से गुजरती हुई समय के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती रही है. और कहानियाँ भी कई प्रकार की होती है. किसी को किसी प्रकार की कहानी पसंद आती है और किसी को किसी प्रकार की. तो कहानीकार अपनी रचनाओं में मानव मन की अनुभूतियाँ, भावनाओं, उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को शब्दों के खूबसूरत ताने बाने से बुनता है. तभी वे कहानियाँ पाठकों के मन को झकझोरती है. ऐसा ही एहसास पूर्णिमा जी की कहानियों से गुजरते हुए मुझे महसूस हुआ. पूर्णिमा मित्रा बंगला मूल की पहली बीकानेर राजस्थान की कहानीकार हैं. आपके लगभग 2 दर्जन कहानियाँ स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं. साथ ही आकाशवाणी से भी उनका प्रसारण होता रहा है. इसी प्रकार लघु कथाएँ, आलेख, बाल साहित्य, समीक्षाएँ, एकांकी आदि का भी निरंतर प्रकाशन होता रहा है. साझा संकलनों में भी आपकी रचनाएँ छपती रही हैं. इसके अलावा संपादन के कार्य में भी आप पीछे नहीं हैं. राम कुमार जी घोटड़ द्वारा संपादित लघु कथा संकलन की आप अतिथि संपादक रही हैं. राजस्थानी भाषा का सतरंगा गद्य संकलन इंद्रधनक में बसंती पवार के साथ आपने संपादन का कार्य भी बहुत बखूबी किया है. आपकी विशेषताएं भी है. आपकी विशेषताओं की यदि बात करें तो आप बिना किसी माध्य भाषा हिंदी के बांग्ला से राजस्थानी में अनुवाद की क्षमता रखती हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है. हमारे लिए एक और गर्व की बात है कि आप बांग्ला मूल की राजस्थानी भाषा में लिखने वाली प्रथम महिला हैं. अपने विषय में बताती हुई वे स्वयं लिखती हैं कि माँ बाप की लाडली होने पर भी मुझे कठोर स्वाध्याय द्वारा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और राजस्थानी सीखनी पड़ी. और इस प्रकार हम देखते हैं कि कठोर स्वाध्याय ने ही इन्हें इन विषयों में पारंगत बनाया, क्योंकि कठोर स्वाध्याय ही है ऐसा रास्ता जिससे कि व्यक्ति अपने जो भी कार्य करता है उसमें वो एक निपुणता प्राप्त कर लेता है. समीक्षा पुस्तक, मैं उसे समीक्षा तो नहीं कहूँगी, एक पाठक की दृष्टि से बदलते रिश्ते कहानी संग्रह 2021 में प्रकाशित हुआ. जैसा कि इसके शीर्षक से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समय के साथ सब कुछ बदल गया है और निरंतर बदलता ही जा रहा है. इस बदलाव में रिश्ते भी अछूते नहीं रहे हैं.
रिश्ते जो घर परिवार की नींव होते हैं वो कमजोर हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से लोग भीतर से खोखले होते जा रहे हैं। क्योंकि घर की बुनियाद जो होती है रिश्ते होते हैं, और रिश्तों में आजकल हम लगातार देख रहे हैं सभी जगह पर खोखलापन घर कर रहा है। इस संग्रह में कुल 15 कहानियां हैं जो रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। इन्हें सत्य का दस्तावेज कहा जा सकता है। ये कहानियां सत्य के बहुत करीब महसूस होती हैं। ये आपसी रिश्ते जिन्हें सही मायने में अपना होना चाहिए, सुख दुख में साथ निभाना चाहिए, वहीं आवश्यकता पड़ने पर जब खून के रिश्ते भी बदल जाए, अपने अपने स्वार्थ को साधने लगे, फिर परायों के विषय में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। यहाँ कुछ कहानियों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करना समीचीन होगा। कहानी नवनिश्चय। कलकत्ता के परिवेश में लिखी गई यह कहानी, जहाँ कहानी के नायक अमिताभ 25 वर्ष बाद अपने रिश्तेदारों परिचितों से मिलने आते हैं, तो उन्हें वहाँ मिलता है स्वार्थ। अपेक्षा के विपरीत उनके रिश्तों का शीश महल ढह जाता है। अपनेपन के स्थान पर दो टूक जवाब, गिव एंड टेक पॉलिसी का भारतीय परिवारों में घुसने का दर्द, खून के रिश्तों के हाथों मन के रिश्तों का इतने जल्दी खून होते देख अमिताभ का मन वितृष्णा से भर उठता है। वहाँ विकास तो हुआ है, कलकत्ता की बात करते हैं, वहाँ विकास तो हुआ है, परंतु गरीबों की स्थिति वैसी ही है। आधी आबादी मुट्ठी भर अन्न के लिए संघर्षरत है। बीमारी और बेवसी की गिरफ्त में लोग आए हुए हैं। लेखिका के शब्दों की खूबसूरती की एक बानगी देखिए, किरचे अपने जिगर के आर पार उतरती हुई महसूस हुई। रिश्तों का गिरगिट की तरह रंग बदलना। नव निश्चय अर्थात अपनों के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, बल्कि निराश्रित बेसहारों और लाचारों के लिए कुछ करने का निश्चय है। क्योंकि रिश्तेदार तो येन केन प्रकारेण सिर्फ लेना ही और अपना मतलब निकालना ही सर्वोपरि समझते हैं। इसी संग्रह की दूसरी कहानी है मकड़जाल। यह इस संग्रह की दूसरी कहानी है जो वहम और अंधविश्वास को उजागर करने के साथ साथ इन पर करारा कटाक्ष भी करती है। पैसे ऐंठने के चक्कर में ढोंगी साधु कई ढोंग रचाकर माँ की पुत्र के प्रति भावनाओं से खेलते हुए अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। स्वांग तो ऐसे ढोंगी लोग ही रचते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनके मकड़जाल में पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। उपरोक्त कथन पूरी कहानी का सारांश बताने में प्रभावी है। इसकी अगली कहानी है मौका। यह कहानी स्मृतियों के सहारे चलती है। जब तक औरत अपने पति और बेटे को अपनी मंजिल मानती रहेगी, तब तक मक्कार मर्द उसके जज्बातों से खेलते रहेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति से कमजोर औरत भी वह सभी कुछ कर गुजरती है जिसकी पुरुष कभी कल्पना नहीं कर सकता। धोखे की नींव पर बनी इमारत एक दिन ढह जाती है। अंत में कहानी एक शानदार मोड़ लेती है जो बहुत ही सराहनीय है। सीख देती हुई पाठकों को सोचने के लिए भी यह कहानी विवश करती है। नई पारी अगली कहानी का शीर्षक है। यह कहानी मानसिक द्वंद्व से जूझती हुई एक वृद्धा की कहानी है जो सिर्फ सोचती है और सोचने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मन को भटकने चिंताग्रस्त होने से बचाने के लिए व्यस्तता जरूरी होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति खाली रहता है कुछ नहीं करता तो ऐसी स्थिति में वो ऊटपटांग बातें सोचता है जो उसके लिए हानिकारक होती है। साथ ही अपने शौक पूरे करने के लिए कोई उम्र नहीं होती।
60 वर्षीय सरिता जब पास पड़ोस की उम्र दराज महिलाओं को निःशुल्क दूसरों की के लिए कुछ करते हुए देखती है तो उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है और वे जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने का निर्णय लेती है और यही उसकी नई पारी होती है जो वो कुछ कर गुजरने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती है। बदलते रिश्ते इस पुस्तक की शीर्षक कहानी है। इसमें खून के रिश्तों का पराय हो जाने का दर्द है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता अपने अपनों से जोंक की तरह चिपके रहते हैं। स्वार्थ पूरा होते ही उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। जिन भाइयों के लिए बहन सब कुछ करती है उन्हीं भाइयों के यहाँ उसे प्यार के दो बोल तक नसीब नहीं होते। वर्तमान की कटु सच्चाई से रूबरू कराती है यह कहानी बदलते रिश्ते। अगली कहानी है संकल्प। लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्वयं भुगतते भी हैं, फिर भी उनसे पुत्र मोह नहीं छोड़ता। लड़का लड़की में भेद की प्रवृत्ति जो सदियों से चली आ रही है आज भी कायम है, जिसे इस कहानी में दर्शाया गया है। कल्पना कीजिए कि एक बेटे का वृद्ध बाप गिर जाता है। उसे नर्सिंग होम में उसकी माँ, पत्नी और पड़ोसी लेकर जाते हैं और बेटा घर में बैठा टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखता रहता है। पुकारने के बावजूद कान नहीं देता तो क्या ऐसे बेटे को बेटा कहा जा सकता है? शायद उसे तो आदमी कहना भी आदमी के लिए एक गाली होगी। इस कहानी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुत्र वधु को शिक्षित, समझदार व सेवाभावी बताया गया है। आज की बहुओं को उसके इस कथन से सीख लेनी चाहिए कि मैं हूँ ना इनके छोटे बेटे की बीवी, मेरे होते हुए मेरे ससुर बिना इलाज के रहकर तड़पते रहे, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगली कहानी है महक। कहानी का प्रारंभ पुराने समय के पत्रों के जमाने की स्मृतियों को ताजा कर देता है और स्वतः ही हम उस दुनिया के एहसास में खो से जाते हैं। बेटे की अहमियत के साथ दक्यानुसी और पारंपरिक सोच की बुआ के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी के मध्य एक समझदार, सामंजस्य रखने वाली आदर्श सास भी है जो अपनी बहू और पोतियों से बहुत स्नेह करती है। बुआ जी को जब अपने बेटे बहू का व्यवहार याद आता है और जब वे अपनी भाभी से अपनी तुलना करती हैं तो उसे भी अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है। इस संग्रह की अगली कहानी है जीत। पंचायत के चुनाव और इसमें महिला आरक्षण को लेकर इस कहानी का रचाव किया गया है जिसमें पिछले 50 वर्षों से ठाकुर परिवार का ही कब्जा रहा है जो जीत के बाद लोगों के खून की कमाई पर ऐशो आराम और रंगरेलियां मनाने में डूबे रहते रहे हैं। समय बदला और इस बार 50 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। उस पर समझदार और एक ईमानदार महिला का अधिकार हो गया। असली सूरज कहानी है। एक परिश्रमी लेखिका के आगे बढ़ने की चाहत, घर में माँ की जिम्मेदारी, भाइयों का अंकुश, बड़े नामचीन माने जाने वाले लेखकों की हकीकत के बीच आत्मविश्वास के असली सूरज का उदय होना इस कहानी का उद्देश्य है। इसके एक वानगी प्रस्तुत है। अब अपने भीतर उगे स्वाभिमान के सूरज को बाहर के नकली सूरजों के चक्कर में बुझने न देना। ऐसा लगता है इस कहानी में लेखिका के भीतर का दर्द उभर आया है। अगली कहानी तृप्ति। बेटे बेटियों में भेद, बेटे की चाह
अपनी मेहनत और लगन से एक कुशल फोटोग्राफर बनना। जब पैसा हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो तो ही रिश्ते हैं, वरना अपने भी अपने नहीं रहते। कई बार पराए भी अपने हो जाते हैं और निस्वार्थ सहयोग करते हैं। पासा पलट गया इस संग्रह की अगली कहानी, जिसमें नारी सशक्तिकरण को मुखरित करने वाली एक बेजोड़ कहानी कहा जा सकता है। सिर्फ रूप रंग ही मुख्य नहीं होता। आजकल जब लड़के लड़की को देखने के लिए आते हैं तो उनके रूप रंग को ही देखते हैं, उनके गुणों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्य होते हैं गुण, संस्कार, व्यवहार और अदब, मगर पुरुष अपने अहम में इन गुणों को दरकिनार कर देता है। पुरुष अपने अहम में कई बार यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, जब वही महिलाएं उसके साथ टिट फॉर टैट वाला व्यवहार करती है, तब उसे पता चलता है कि ये भी कुछ, जिनके रंग रूप नहीं है वो भी कुछ कर सकती हैं, बहुत बड़े ओहदे पर, पद पर अपनी मेहनत और लगन से पहुंच सकती हैं। माँ बेटी, लेखिका ने बादल और सूरज की तुलना करते हुए लिखा है, धूप का नामो निशान न था, सफ़ेद भूरे बादलों से सूरज का प्रखर तेज कलयुगी रिश्तों की मानिंद निस्तेज पड़ा था। यानी आजकल के जो रिश्ते हैं उसमें कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, यहाँ तक कि संवादहीनता घर कर गई है। कई बार अपने भी ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। बेटा बेटा होता है, चाहे वह नालायक ही क्यों न हो, मगर बेटी चाहे कितना ही कर ले, उसे सदा पराया ही समझा जाता रहा है। फिर यदि लड़की की शादी न हो तो उसमें उसका क्या दोष। लेकिन जब माँ इस विषय पर गहराई से विचार करती है तो वर्षों से सोई उसकी ममता जाग उठती है। अगली कहानी, सार्थक कदम। अगर किसी में शारीरिक दोष है तो उसमें उसका क्या कसूर। ऐसी स्थिति में क्या अपने क्या पराए सभी उसका बढ़ चढ़कर मजाक बनाते रहते हैं। ताने कसने वाले दूसरों की व्यथा क्या जाने, उन्हें क्या पता कि एक विकलांगता, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कितनी कष्टदायक होती है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे दोषों का भी इलाज संभव है। जब नारी मोह बंधन से आज़ाद होकर अपने फैसले स्वयं लेती है और फिर वह किसी की मोहताज नहीं रहती। कहानी की नायिका का यह कथन कि मैं अपना कारोबार न किसी को सौंपूंगी, न ही किसी की मोहताज बनूंगी। मैंने एक निर्णय ले लिया है कि मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा विकलांगों के कल्याणार्थ लगाना चाहती हूं, और यही कहानी का सार्थक कदम है, ताकि वह दूसरों का भला कर सके, अपने तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। मरीचिका, अगली कहानी। मरुभूमि के भीतर शीतल जल के सरोवर की मोहक मरीचिका जिस प्रकार प्यासे यात्री को भ्रमित करती है, उसी तरह इंसान अपनेपन के छलावे को अपनत्व मानकर भ्रमित होते रहते हैं। उन्हें लगता है यही मेरा है, यही मेरा अपना है, जो मेरे दुख सुख में हमेशा मेरा साथ देगा। लेकिन यह एक मृग तृष्णा होती है। रिश्ते, नाते, दोस्ती, दुश्मनी, सभी कुछ अपनी हैसियत को देखकर ही जानी चाहिए, अथवा ये तभी सफल या असफल होते हैं या टिकते हैं। झूठ, दिखावे को सही और सच्चा मानकर उसके पीछे भागना समझदारी नहीं है। दलदल कहानी है। यह कहानी वर्तमान समय के साहित्यकारों को केंद्र में रखकर रची गई है। वर्तमान समय ऐसे लोगों का है जो निस्वार्थ रूप से जिनकी मदद करते हैं उसे ये बेवकूफ़ समझा जाता है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये फालतू दूसरों की मदद कर रहा है। उसी की भावनाओं से खेला जाता है, उसी को दरकिनार किया जाता है। अब इन कहानियों की
के विषय में जो बात की है वो बहुत ही मैंने संक्षिप्त रूप में की है। इन सामाजिक पारिवारिक कहानियों में लेखिका के मन में रिश्तों का स्वार्थ से भरा होना, अपनत्व का अभाव, दिखावा, टूटन, भावनाओं का गूंगी बहरी हो जाना आदि का दर्द बहता हुआ नजर आता है। इन सभी बातों से उनका मन बार बार घायल हो जाता है और उनका यह दर्द पाठक के भीतर उतर आता है जब वो इन कहानियों से गुजरते हैं। पुस्तक और कहानियों के शीर्षक विषयानुकूल है। इनमें मानवीय रिश्तों के लगभग सभी पहलुओं को उकेरा गया है। भाषा शैली शालीन, सरल, सुंदर और आवश्यकता अनुसार मुहावरों का प्रयोग इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने में सफल रहा है। अधिकांश कहानियाँ नारी प्रधान हैं, जिनमें रिश्तों के दर्द के साथ एक प्यास है, सच्चे रिश्तों की तलाश है। ये कहानियाँ नारी सशक्तिकरण की जोरदार पैरवी करती हैं। प्रत्येक कहानी कुछ न कुछ शिक्षा या संदेश देती है। आदर्शवादी एवं भारतीय मूल्यों की पैरोकार होते हुए भी लेखिका की अंतर्दृष्टि सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाओं में लगे घुन को उजागर करने में कोताही नहीं बरतती और यथार्थ का चित्रण करती है। कहानियों में पाठक को बांधे रखने की क्षमता है, साथ ही यह उन्हें अपनी सी लगती है। वह इनमें खुद को कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं, किसी को किसी से कमतर नहीं आका जा सकता। साहित्य जगत में ये अवश्य ही सराही जाएंगी और इन्हें पाठकों का भरपूर सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्णिमा जी, आपकी कलम निरंतर उच्च कोटि का साहित्य सृजन करती रहे। आपके और आपके किसी रिश्ते आपके और आपके और किसी के भी रिश्ते कभी भी नहीं बदले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और एक बार पुनः मैं आदरणीय देवेंद्र जी, जनसरोकार मंच टॉक का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार, धन्यवाद।